हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज के बारे में। देखिए, टिश्यूज हमारा क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे सेल्स से मिलकर टिश्यूज बनते हैं। अब प्लांट्स में जो टिश्यूज अवेलेबल हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो ये चीज़ आपको पता है कि प्लांट्स इमोबिल है, मतलब प्लांट्स इधर उधर नहीं घूम सकते, एक जगह पे फिक्स रहते हैं, है ना। अब क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं एक जगह पे फिक्स रहते हैं, तो ये जो टिश्यूज इनके होते हैं ना प्लांट्स के, वो डेड सेल से मिलकर बने होते हैं। अब डेड सेल से मिलकर क्यों? अब देखिए, बार बार प्लांट्स को मेंटेनेंस की जरूरत तो है नहीं कि उनको लिविंग सेल्स चाहिए, तो वो डेड सेल से मिलकर बने होते हैं। बट ऐसा नहीं, बीच में कुछ लिविंग सेल्स भी होते हैं। नाउ, ये जो प्लांट के टिश्यूज होते हैं, ये एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं प्लांट्स को। अब प्लांट टिश्यूज दो तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, परमानेंट टिश्यूज है, राइट। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी तीन तरह के होते हैं, एपिकल है, लेटरल है, इंटरकैलरी है। परमानेंट टिश्यूज भी दो तरह के होते हैं, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है। अब देखिए, अगर आपको सब कुछ जानना है कि प्लांट टिश्यूज क्या है, कैसे वर्क करते हैं, तो उसके लिए आपको कंप्लीट वीडियो देखना होगा, जिसके लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना